ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल चमकती किस्मत में। मैं वेद पंडित आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां हर रोज़ हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जिन्हें अपने जीवन में अपनाने से आपको आपके कार्यों में सफलता मिलती है। जी हाँ दोस्तों, हम हर रोज़ भगवान गणेश जी से आपके और आपके परिवार की कुशलता और सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन यापन कर पाएंगे। दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसी मूर्तियों के बारे में, कुछ ऐसी तस्वीरों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे खुद भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यदि यह सब मूर्तियां तस्वीर व्यक्ति अपने घर में रखेगा तो उसे अपने जीवन में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा रुकावट परेशानी आर्थिक संकट पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जिससे पहले हम आगे बढ़े हम आपसे कहना चाहेंगे यदि आप पहली बार हमारे चैनल चमकती किस्मत पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे कि जिन लोगों को भी इन उपायों की ज़रूरत है वह भी इनका पूर्ण लाभ उठा सकें। दोस्तों अब हम अपने विषय पे पुनः वापस आते हैं। दोस्तों सबसे पहले बहते झरने की तस्वीर। जी हाँ, बहते झरने की तस्वीर जैसे कि आप तस्वीर फोटोज़ में देख सकते हैं, यह आपको अपने घर में लगानी है और हो सके तो अपने ड्राइंग रूम में लगाएं या जहाँ पे मेहमान आते हैं वहाँ इसे लगाने से दोस्तों बहते पानी की ये झरने की ये तस्वीर आपके घर में पैसा पानी की तरह बह के आता है। जी हाँ, इसी के साथ अगर आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा होती है, आर्थिक तंगी होती है तो वह भी समाप्त हो जाती है। यह तस्वीर ये दर्शाती है कि आपके घर में सब कुछ बेहद सकारात्मक भरा है और आपके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और इसी के साथ जो भी घर में मेहमान या लोग आते हैं वह भी इस तस्वीर को देख के आपकी हर बात मानने लगते हैं। तो दोस्तों यदि आपको पैसों की कोई ऐसी तंगी है तो आप भी अपनी इस तस्वीर को पानी की बहते झरने की अपने घर के ड्राइंग रूम में लगाएं और फिर देखें कमाल। इसी के साथ दोस्तों टॉर्टोइस यानी कि कछुआ क्रिस्टल वाला हो या फिर तांबे का या फिर चांदी का, डिपेंड करता है। अगर आपको घर में धन चाहिए तो आप चांदी का ही कछुआ लाएँ जैसे कि आप देख सकते हैं। और यदि आपके घर में बहुत सारी परेशानियाँ हैं, परिवार में कोई हमेशा बीमार रहता है, परिवार में आपस में मतभेद रहते हैं तो आप यह तांबे का लाएं। और यदि आपको अपने परिवार में सुकून चाहिए, पैसा चाहिए तो आप क्रिस्टल का भी कछुआ ला सकते हैं। जैसे आपकी ज़रूरत है उस हिसाब से आप इसे चुन के लाएं। याद रखें कि इसे लाने के बाद जो इसका मुख है वो घर के अंदर जाने की तरफ ही हो, यानी कि इसकी पूँछ जो है वो पीछे को और मुख घर के अंदर की तरफ जाने को हो, ये बात ज़रूर ध्यान रखें। और इसी के साथ आप इसे घर के उत्तर या पश्चिम दिशा में रखें, ये दो दिशा सर्वश्रेष्ठ मानी गई हैं। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में आके विराजमान हो जाती हैं। और यदि आपके घर में किसी प्रकार का आर्थिक संकट चल रहा होता है तो वह भी समाप्त हो जाता है और आप अपने जीवन में अच्छे तरीके से धन प्राप्त कर पाते हैं। तीसरी चीज़ है दोस्त पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति। जी हाँ, यह उन सब लोगों के लिए है जिनके ऊपर कोई नज़र टोना टोटका भूत प्रेत बाधा से संबंधित कोई भी चीज़ उनके ऊपर है, या फिर इसी के साथ आप अच्छा धन कमा लेते हैं लेकिन उसके बाद ही धन में बरकत नहीं हो पाती, या फिर आपके बहुत आर्थिक संकट आया हुआ है, मुसीबतें हैं आपके घर में, हमेशा स्वास्थ्य खराब रहता है, किसी न किसी का मतभेद होते रहते हैं, यह पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति इन सारी तकलीफ़ों को जड़ से उखाड़ फेंकती है। आप इसे घर में लाएँ और आप हो सके तो इसे मुख्य द्वार पर ही अंदर की तरफ रख दें। दोस्तों ध्यान रखें इससे आपके घर में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी, लेकिन हाँ अगर आपको मुख्य द्वार के ऊपर लाना टांगना है तो आप तस्वीर ले आएँ और यदि आपको घर में रखना है तो आप मूर्ति ले आएँ। इस बात का ध्यान रखें, आप ये करके देखें और फिर देखें आपके जीवन में कितनी खुशियाँ भर जाती हैं। अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।